पटना के नौबतपुर में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने आधी रात में अमरपुरा के शिव मंदिर में शादी कर दी। ग्रामीणों ने दोनों वर वधु को स्वागत के बाद लड़की की विदाई कर दी। इस बात की चर्चा पूरे गांव में आग की तरफ फैल गया। बताते चलें कि पालीगंज के खीरी मोर निवासी अभिषेक कुमार 20 वर्ष एवं नौबतपुर के अमरपुरा निवासी मनीषा कुमारी 18 वर्ष का 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि अभिषेक कुमार अपनी प्रेमिका मनीषा कुमारी से बराबर खगौल लख के नजदीक कोचिंग जाने के क्रम में मिलने आता था। इस बात की सूचना मनीषा कुमारी के परिजनों को लग गई। बताया जा रहा है कि मनीषा कुमारी के परिजनों ने कई बार अभिषेक कुमार को इस बात के लिए चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस बीच देर रात अभिषेक कुमार मनीषा कुमारी से मिलने गांव के बाहर एक खेत में बुलाया था। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका को मिलते गांव के किसी व्यक्ति ने देख लिया और इस बात की सूचना लड़की के परिजनों को दे दी। सूचना मिलते ही लड़की के परिजन वहां पहुंचे और दोनों को पकड़ लिया। गांव में यह बात आग की तरफ फैल गई। इसके बाद ग्रामीण वहां जमा हुए और युवक से शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी शादी मनीषा कुमारी से 2 वर्ष के बाद करने की बात कही। इसके बाद ग्रामीण इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ग्रामीणों ने आनन फानन में अमरपुरा के शिव मंदिर में दोनों युगल प्रेमी की शादी करवाने का फैसला किया। तुरंत ही गांव के एक पंडित को बुला लिया गया और शिव प्रेमिका से मिलने प्रेमी पहुंचे प्रेमिका के गांव ग्रामीण ने पकड़ के करा दी दोनों की शादी।